ये प्लेटेड ब्रेड कॉर्नर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसकी आप सॉफ्टनेस देखें किस कदर ये सॉफ्ट बनी है। ये और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ये पम्पकिन में नीड हुई है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपसे प्रॉमिस था कि पम्पकिन के स्किन और सीड्स की हम सब्ज़ी बनाएंगे और जिसका फ्लैश होगा उसकी बहुत ज़बरदस्ती पम्पकिन ब्रेड और पम्पकिन केक बनाएंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला पम्पकिन ब्रेड की फर्स्ट रेसिपी शेयर करते हैं, बनाते हैं साथ मिलके और फिर हम पम्पकिन केक की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले ये 300 ग्राम फ्लैश है पम्पकिन का, इसकी प्यूरी बनाएंगे, कट करेंगे, प्यूरी बनाएंगे, उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। पम्पकिन जो हैं उनको रफली चॉप कर लिया है, उसको बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा जब भी हम बेकिंग करते हैं, बेकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशल और सबसे टेक्निकल जो प्रॉब्लम आती है, लोग अंदाजे से बेकिंग करते हैं, बेकिंग में अंदाज़ा नहीं चलता। बेकिंग इज़ लाइक केमिस्ट्री, कि आपकी मेजरमेंट कंप्लीट हो, आपके जो यूटेंसिल्स हैं वो अगर क्लीनिनेस है उसमें, कि कोई ऑयल ना हो तो उसमें कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए कोई यूटेंसिल्स में। बस अगर आप मेजरमेंट की ध्यान रखेंगे बेकिंग में, देन योर बेकिंग ऑलवेज कम्स आउट परफेक्ट। तो ये रफली चॉप करके इसकी पहले प्यूरी करेंगे, इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, ये अपने ही पानी में सॉफ्ट होगा। उसके बाद जो है हम इसके जो नीडिंग प्रोसेस है उसको करेंगे स्टार्ट। डबल हीट पैन पे रखें या इसको स्टीमर में रखें, लेट कवर करके बस इसको आई थिंक अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगेंगे सॉफ्ट होने में। फ्रेंड्स ये देखें पम्पकिन जो है वो हमारा गल गया है, जूसेस इसने रिलीज़ किए हैं। इसी जूस के अंदर हम अपना ब्रेड का जो डो है उसको नीड करेंगे, इसको कूल करते हैं, ब्लेंड करते हैं। जितनी देर में कूल होता है उतनी देर में हम अपने फ्लोर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो निकालते हैं। फ्रेंड्स पम्पकिन प्यूरी जो है वो हमारी कूल हो गई है, ठंडी है, रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गई है। तो अब हम अपनी ब्रेड को कंटिन्यू करते हैं। हमें चाहिए 500 ग्राम ब्रेड फ्लोर, ये मैदा नहीं है, ये ब्रेड फ्लोर है, ब्रेड आप सफ़ेद आटा जिसको कहते हैं वो है। इसके अंदर जाएगा 60 ml ऑयल, कुकिंग ऑयल, आपको बटर यूज़ करना है बटर यूज़ कर लें। 60 ml ऑयल जो है अराउंड 5 टेबल स्पून जो है वो उस स्पूंस की मेजरमेंट में है। 20 ग्राम जो है वो शुगर है, शुगर को मैंने फाइनली ग्राइंड कर लिया है। 20 ग्राम शुगर जो है वो 1 टेबल स्पून प्लस 1 teaspoon होगी इफ़ यू गो फॉर स्पून मेजरमेंट। फिर 1/2 teaspoon जो है वो सॉल्ट इसके अंदर जाएगा एंड 1 egg। एग हम पूरा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी एग योक जो है दैट विल कीप फॉर द ब्रशिंग ओवर द ब्रेड्स, और जिसकी वाइट है दैट विल गो इनटू द नीडिंग प्रोसेस। होल हमने बना लिया है अपने फ्लोर के सेंटर में, 1 teaspoon यीस्ट गोज इनसाइड। सॉल्ट हम और ऑयल जो है वो सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट जो है वो यीस्ट को ग्रो करने से रोकता है। शुगर वी आर एडिंग, और ये पूरा जो डो होगा नीड होगा ये पम्पकिन प्यूरी के अंदर होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। शुगर को स्लाइटली ऐड करेंगे, इसके बाद स्लोली ग्रेजुअली वी विल ऐड आवर पम्पकिन प्यूरी एंड देन कंटिन्यू मिक्सिंग इट। ऑलमोस्ट जो है ये हमारी ऐड हो गई है पम्पकिन प्यूरी। अब जो है वी आर गोना ऐड द सॉल्ट। पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना है, जो हमारे पास पम्पकिन प्यूरी है, एग है, दैट इज इनफ फॉर मेकिंग द डो।
The process is a little messy at the starting, but once the yeast starting to ferment, the phir ye jo hoga, it all is gonna come into one shape. तो स्लोली ग्रेजुअली ये जो आपकी पाम की ग्रिप है, फ्रॉम देयर यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर. बेकिंग के लिए यू नीड टू हैव द स्क्रेपर. स्क्रेपर आपकी किन करे बेकिंग के अंदर, अगर आप हैंड नीडिंग कर रहे हैं तो इट्स रियली गोना मेक यू लाइफ इजियर. स्नॉकिंग बैक एंड फोर्थ, हैव टू कंटिन्यू द प्रोसेस. Now we don't need scraper anymore. All we need is the knocking back and bringing forward like this. See, it's breaking apart. ये आपका sign है देखने का कि आपकी जो bread है it's breaking, it's not coming into smooth shape. You have to knock it back. अच्छा अब यहाँ देखिए, इट्स नो मोर स्टिकी, इट ऑल हैज टर्न इनटू अ स्मूथ बॉल. तो यहाँ हम इसको थोड़ा राइस होने का रखेंगे फर्स्ट राइस के बाद, देन वी ऐड आवर ऑयल. बॉल जो है उसको मैंने ग्रीस कर दिया है, बट आई हैव नॉट येट एडेड एनी ऑयल टू द ब्रेड. इसको हम बॉल में ट्रांसफर करेंगे. वी लीव इट फॉर अराउंड टिल इट बिकम्स डबल इन साइज. फर्स्ट प्रूफिंग ब्रेड यूजली नीड्स टू प्रूविंग. फर्स्ट प्रूविंग के बाद विल एड आवर ऑयल. इसको लिड को कवर करते हैं एंड लेट्स मीट आफ्टर आई थिंक अराउंड 30 to 40 और मैक्सिमम 1 आवर इसको लगेगा. टेल यू, इसको रूम टेम्परेचर पे आपने रखना है, हीटेड जगह पे नहीं रखिएगा. यीस्ट नीड्स टाइम. अगर आपको नेचुरल राइस करना है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे एंड अलाउ द यीस्ट टू फर्मेंट नेचुरली. आप ओवर हीटेड कर देते हैं इसको बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रख के, तो आपकी जो ब्रेड है जो उसको नेचुरल प्रोसेस चाहिए राइज होने के लिए, वो फॉर्म नहीं हो पाता है. जस्ट कवर करें सो दैट द गैस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स इन टू इट और फिर रूम टेम्परेचर पे अलाउ इट टू राइज. फ्रेंड्स, राउंड 30 मिनट्स मैंने जो डो था उसको राइज होने रखा था. इट्स नॉट फुली रिजन येट, लेकिन एक प्रॉपर शेप के अंदर आ रहा है. अब इस स्टेज के ऊपर जो है हम इसको फ्लैटन करते हैं. अब ऑयल इसके अंदर ऐड करते हैं क्योंकि जो यीस्ट है उसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई है, स्टार्टेड ग्रोइंग. अब ऑयल ऐड करके इसको नीट करके फिर हम फाइनल इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे. ये देखिए सारा ऑयल जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है. स्नो मोर स्टिकी. इसकी चेकिंग
कि आपका जो डो है फुली प्रिपेयर हो गया कि नहीं. यू हैव टू स्ट्रेच इट, इट्स ब्रेकिंग अ पार्ट. तो जब ये ब्रेक अ पार्ट हो इट मीन्स इट स्टिल नीड सम टाइम टू राइज. अभी इसको राइज होने को रखेंगे. इन द मीन टाइम हम अपने मोल जो है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं. लेट्स पुट इट अगेन. सेकेंड प्रूफिंग टाइम वो इतना ज़्यादा नहीं होगा. फ्रेंड्स अब आते हैं अपने पम्पकिन ब्रेड की तरफ. माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त ये राइज हुई है. अब जो है इसको मेजर करते हैं और फिर प्रॉपर इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करके अपने जो फाइनल ब्रेड है उसको राइस होने के लिए रखते हैं मोल्ड में. कितनी फ्लफी, कितनी एरी है. इट्स नॉट ब्रेकिंग अपार्ट. इट मीन्स के जो ग्लूटेन है वो हमारे ब्रेड के अंदर प्रॉपर फॉर्म हो गया है. यू नो यू कैन चेक इट आउट लाइक दिस. गोना टेक this, we can use the lid as a base. 100 ग्राम की हम बोल लेते हैं. या 100 ग्राम. हंड्रेड हंड्रेड ग्राम के हमारे जो बंस थे. फर्दर लेट्स ब्रिंग इट इनटू शेप. हमने ऑयल नहीं यूज करना है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव इनफ ऑयल इन देम. ब्लैक सेसमी सीड्स. इट विल बी अ मल्टी ग्रेन ब्रेड. सेसमी सीड्स. नाउ जो एग योक था वी विल डिप इट इनटू द एग योक like this and place it in the mold like this. We'll do the same with rest of the buns. Take it. Flax seeds. Egg yolk. And to the bun, semolina suji, then into the फ्रेंड्स. ये दो हमारी जो ब्रेड्स हैं वो शेप में आ गई हैं. इसको राइज होने रखते हैं. वंस दे आर डबल इन साइज फिर हम इसको बेकिंग के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 20 to 25 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन योर ओवन टेम्परेचर ये बेक होगी. हमारी जो पम्पकिन ब्रेड है माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त ये प्रूफ हुई है. 180 डिग्री सेल्सियस पे डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ योर ओवन. आप कितना प्रिफेयर करते हैं उस पर 20 to 25 मिनट्स इफ मोर देन 30 मिनट्स बट नॉट मोर देन दैट इसको लगेंगे बेक होने में. तो लेकिन आपका जो ओवन है वो प्री हीट होना चाहिए. कभी भी
ठंडे ओवन में अपनी बेकिंग को कभी भी नहीं रखें, बिकॉज ये जो इतना प्रोसेस हुआ है इसको राइज होने का, वो फिर आपकी पूरी बेकिंग को खराब कर देगा। ऑलवेज ऑलवेज चेक दैट द ओवन इज फुली हॉट, और फिर आपका जो अपना मोल्ड है बेकिंग का आप उसको रखें। फ्रेंड्स, पम्पकिन ब्रेड हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। इसका कलर देखें किस कलर ज़बरदस्त आया है, सॉफ्ट। इसको अनमोल्ड करते हैं और फिर इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें इसकी आप सॉफ्टनेस देखें किस कदर सॉफ्ट है, स्पंजी। और अब हम अपनी प्लेटेड ब्रेड को करते हैं अनमोल्ड। ये प्लेटेड ब्रेड को अनमोल्ड करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसकी आप सॉफ्टनेस देखें किस कदर ये सॉफ्ट बनी है। और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ये पम्पकिन में नीड हुई है।